नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्नो विकास और मैं आपका होस्ट विकास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे किसी भी वूफर को जिसमें ब्लूटूथ ना हो और भी मतलब कि सिंपल वूफर जैसा होता है उसको हम लोग ब्लूटूथ इनेबल वूफर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको एक ब्लूटूथ किट चाहिए होता है जो कि आपके नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर्स पार्ट्स जो रखते हैं उनसे आप ये वाला खरीद सकते हैं और ये किट की प्राइस भी बहुत कम है दोस्तों, लगभग 200 रुपये की ये किट आती है। और ये किट जो है आप किसी भी वूफर में लगा सकते हो और लगाने के बाद आपका वूफर जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और बजा सकते हो जैसे कि आप अपने हेडसेट को बजाते हो। और इसकी रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है, लगभग 12 से 15 मीटर की रेंज में आप जो है इस वूफर से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप 12 मीटर से भी ज़्यादा रेंज पे रहते हो तो भी इसकी वॉइस क्लियरिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने खुद ट्राई किया है और इसी से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि आपको एक पुराना वूफर है मेरे पास रखा हुआ तो उसमें जो है मैं आपके सामने अभी ब्लूटूथ किट लगाऊंगा। और इसकी बहुत सारी खास बात है दोस्तों, आपको मैं वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा इसके बारे में। और अगर आपको ये किट जो है आसानी से नहीं मिलता है और आप अपने वूफर को इस तरीके से असेंबल या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो, मैं आपको कुरियर कर दूंगा ये ब्लूटूथ किट। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं हमारा वूफर जो है वो प्ले हो रहा है और मैं इसको जो है वो AUX केबल से बजा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये रहा हमारा वूफर का फ्रंट। ये हमारा स्पीकर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे मैंने पावर केबल निकाल दिया और मोबाइल को भी जो है उसे डिसकनेक्ट कर दिया। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो यही वो किट है, ब्लूटूथ किट है। ये रहा उसका रिमोट और ये उसका ब्लूटूथ किट। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें SD कार्ड का स्लॉट है, पेन ड्राइव का स्लॉट है, AUX केबल है और प्ले पॉज नेक्स्ट और मोड चेंज करने का है। ये केबल जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग AUX केबल के जगह पे लगाएंगे। और ये वाला हमारा पावर केबल का है, मैं अभी इसे बैटरी से चेक करूँगा, ऑन करके दिखाऊँगा आपको अभी। ये कुछ हाँ देखिए यहाँ पे जो है अच्छे से तो नहीं दिख रहा है बट आपको वहाँ प्लस V और GND ग्राउंड जो है वो लिखा हुआ दिखेगा। और इससे जो है ये ऑडियो आउटपुट के लिए है तो यहाँ पे देखिए प्लग इन कर दीजिए, इसे यहाँ लगा दीजिए। और मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा किट आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया है और अभी ये जो है FM मोड में है, मैं इसकी मोड चेंज कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया AUX मोड में, ये हो गया ब्लूटूथ मोड में। तो चलिए अब आपको मैंने ये बताया कि ये जो है इसका आउटपुट ऑडियो आउटपुट केबल था, मैं इसे थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ, छील लेता हूँ तार को। और मैं अपना बूफर नहीं ख़राब करना चाहता तो इसलिए मैं इस बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ और इस बॉक्स में ही मैं उससे फिट करूँगा। मैं इसकी नापीस पे ले लेता हूँ।
और अब सोल्डरिंग आयरन से इसे काट लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स जो है कट के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें किट जो है वो फिट कर सकता हूँ। और इसे दो नट से टाइट कर देता हूँ अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टाइट करके रेडी कर लिया है अपने बॉक्स में उस ब्लूटूथ किट को। अब मैं इसका तार जो है प्लस माइनस का पॉजिटिव निगेटिव का वो बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वूफर के अंदर से इसे पावर देना होगा प्लस 5 वोल्ट्स। तो मुझे रेड के लिए पॉजिटिव के लिए रेड वायर इसमें डालना होगा और निगेटिव के लिए ब्लैक वायर। वीडियो में तो इतने अच्छे से आपको नहीं दिखेगा, बट आप किट देखोगे तो आपको उसमें लिखा हुआ दिखेगा दोनों दोनों जो पॉइंट होता है उसमें, एक में GND जिसका मतलब ग्राउंड होता है और प्लस VE मतलब पॉजिटिव, तो 5+VE ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। तो आप समझ सकते हो, बस इसे उल्टा मत जोड़िएगा। तो ये जो है हमारा ऑडियो आउटपुट है जो कि वूफर में इनपुट होगा, और मैं इस केबल को भी लंबा करूँगा क्योंकि मुझे ये वूफर से थोड़ा दूर रखना है, तो इसके लिए इसे थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा केबल को। तो आप इसके लिए कोई भी केबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें जो केबल यूज़ किया है वो ख़राब USB केबल जो होता है मोबाइल चार्जर का, उसे यूज़ किया है काट के। तो मैं रेड वाला जो वायर है उसे काट के यहाँ से अलग कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 ही तार की ज़रूरत है और यहाँ पे चौथा तार जो है उसका यूज कुछ भी नहीं है, तो उसे मैं कट के अलग कर दे रहा हूँ। और ठीक उसके बाद जो है यहाँ पे जो GND मतलब कि ग्राउंड जो है उसके जगह पे मुझे वाइट वायर जोड़ देना है। मतलब कि आप कोई भी वायर जोड़ सकते हो, बट मुझे पहचानने में आसानी होगी इसलिए मैं ग्राउंड को वाइट ले रहा हूँ। और उसके बाद ब्लैक और ग्रीन जो है इसमें मैं लेफ़्ट ऑडियो और राइट ऑडियो को कनेक्ट कर दूंगा। हमारा वायर जो है वो कनेक्ट हो गया है। अभी मैं इसे मोड़ करके और पोर्टेबल बना देता हूँ।
ये हो गया हमारा बॉक्स रेडी। अब मुझे इस वायर को, ये सब ऑडियो केबल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वाइट वाला जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ GND के लिए, और ग्रीन और ब्लैक जो है वो लेफ़्ट ऑडियो और राइट ऑडियो के लिए। ये दोनों है जो, ये दोनों वायर पावर के लिए हैं। तो मैं आपको अभी फिर से बैटरी से चेक करके दिखा देता हूँ। रेड वाला जो है वो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला निगेटिव। अभी मैं फोकस करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टर्मिनल और राइट टर्मिनल मुझे शो हो रहा है। मैं अभी इसे कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लूटूथ किट जो है वो ऑन हो गया है। और ये रहा हमारा रिमोट जिससे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं इसे रख दे रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स को खोलना। ये हमारा AUX केबल अलग हो गया, ये बॉक्स का केबल अलग कर दिया मैंने, और ये जो है वो एंटीना का केबल है। ये पहले वाला एंटीना का केबल कोई काम नहीं है। अब मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा इंटेक्स का जो ये बॉक्स अभी तक कहीं नहीं खुला है। मैं इसे, इसका सील जो है वो तोड़ रहा हूँ अभी। चलिए देखिए, तो चलिए देखता हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये रहा इसका किट। और ये हमारा बैक पैनल। तो मैं आपको अभी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये जो है हमारा लेफ़्ट ऑडियो है और ये राइट ऑडियो इनपुट है। इसी से हम लोग AUX केबल को प्लग इन करते हैं। तो मुझे उस वायर को जोड़ने के लिए इससे सब वूफर का जो किट है, एक्स्ट्रा किट है, उसे यहाँ से रिमूव करना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए निकालना होगा जिससे मैं आसानी से उस किट को जोड़ पाऊँ यहाँ पर। तो ये हमारा अलग हो गया इससे सबवूफर किट। ये रहा हमारा इनपुट और ये यहाँ पे इससे कनेक्ट है इसी से, ये हमारा उसका इनपुट है। तो ये जो केबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तीन कनेक्शन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यही हमारा इनपुट है AUX इनपुट, और जो मैंने ब्लूटूथ किट लाया है उसका जो ऑडियो इनपुट, ऑडियो आउटपुट है वो यहीं पे, इस वूफर का यहीं पे इनपुट में कनेक्ट करना है। तो अभी मैं, तो चलिए मैं बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जनरली ये 3.48 वोल्ट का रहता है। क्लियर नहीं दिख रहा है, रुके मैं अभी देखिए बैटरी की वोल्टेज जो है 3.48 शो कर रही है। और ये जो है एडेप्टर है, ठीक है, तो एडेप्टर की वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट्स की होती है। और
ये जो ब्लूटूथ किट का वोल्टेज है वो 3 to 5 वोल्ट का होता है। 3 to 5 वोल्ट के अंदर आप जो है इस ब्लूटूथ किट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं इस एडेप्टर को खोल देता हूँ और इसकी किट जो है वो निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि ये ब्लूटूथ का किट जो है वो कभी कभार इसे वोल्टेज सही नहीं मिलने से हमारा जो ब्लूटूथ किट है वो काम नहीं करता है सही से। तो मुझे देखना होगा कि बूफर में जो 5 वोल्ट आउटपुट है वो हमारे ब्लूटूथ किट के लिए सही है या फिर नहीं। अगर सही नहीं होता है तो हमारा जो है हमें इस चार्जर का किट खोल करके और 5 वोल्ट जो डीसी करंट है वो हमें इस चार्जर से देना होगा। ये इसका डीसी, ये पॉजिटिव पैनल है और ये नेगेटिव पैनल। तो यहाँ देखिए कंडेंसर से हम लोग पहचान करते हैं इसकी। ये देखिए इस साइड यहाँ पे माइनस का एरो दिख रहा होगा आपको, तो ये जो है वो माइनस है ये पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा इस जगह से कनेक्ट है, मतलब कि ये हमारा माइनस नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। अभी मैं इसे साइड रख देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। तो अभी यहाँ पे मैं वूफर का इनपुट जो है वूफर का इनपुट में ब्लूटूथ का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का आउटपुट है उसे कनेक्ट करूँगा। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि वाइट वाला जो है हमें GND मतलब ग्राउंड में कनेक्ट करना है, और इसका ग्राउंड जो है वो फर्स्ट में मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये हमारा लेफ्ट ऑडियो है, लेफ्ट और राइट ऑडियो है, इसमें से आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि अगर कनेक्शन जो है वो उल्टा पलटा हो जाएगा तो हमारा ब्लूटूथ किट जो है वो ख़राब हो जाएगा और वूफर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए संभल के कनेक्शन करें। अभी मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैं इसे यहाँ पे प्लग कर देता हूँ। बॉक्स इतना छोटा है कि थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हमारा जो है 5 वोल्ट का आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पॉइंट है जहाँ से मुझे मैंने अभी ये वायर खोला है, तो इस साइड देखिए 5 वोल्ट प्लस वाई 5 वोल्ट, और ठीक इसके बगल में GND मतलब कि नेगेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लूटूथ का वायर। अभी यहाँ मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने कनेक्शन कर दिया है। अभी मैं इसे पावर देकर देखता हूँ कि ये ऑन होता है कि नहीं ब्लूटूथ किट हमारा। मैं पावर देने जा रहा हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वोल्टेज जो है वो सही नहीं है, ब्लूटूथ किट का लोड जो है वो नहीं ले पा रहा है। तो
मैंने जो अडेप्टर खोल करके साइड में रखा था, मुझे उसी किट का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे वोल्टेज सही नहीं आ रहा है, इसका वोल्टेज जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो इसके लिए मुझे जो है दूसरा ऑप्शन, मतलब कि अडेप्टर का पावर सप्लाई जो है वो इसमें यूज़ करना होगा। अभी मैं यहाँ से इसे अलग कर दे रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है कि मैं इसका सबवूफर बॉक्स जो है, सबवूफर स्पीकर जो है उसे अलग कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्लूटूथ किट को भी इसमें, इसी से ब्लूटूथ किट का वायर जो है मैं इसी से बाहर करूँगा। तो इसके लिए मैं स्पीकर खोल दे रहा हूँ। ये रहा सबवूफर का स्पीकर, और मैं यहाँ इसे, तो मैं अभी जो किट था, एडाप्टर किट था, उसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो देख करके कनेक्ट करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसी इनपुट का जगह, एसी इनपुट के जगह पे मुझे इनपुट देना होगा एसी कनेक्शन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये हमारा एसी इनपुट है और ये उसका वायर। और मुझे एसी कनेक्शन जो है वो सबवूफर के किट से ही देना होगा। इसमें अलग से कोई ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया गया है। तो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये वायर यहाँ लगा देता हूँ इनपुट का। और अब पावर देकर के चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो वूफर है वो किट काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लूटूथ किट जो है वो ऑन हो गया है एडाप्टर के पावर से। तो मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ एक चीज़, AUX केबल से। मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और यहाँ पे देखिए, हाँ ये GT वाला जो है मुझे इसी से कनेक्ट करना है। और हमारा डिवाइस जो है वो पेयर्ड हो गया है।
तो मैं अभी AUX केबल लगा करके और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने वूफर का बॉक्स को कनेक्ट किया और ये भी, सब वूफर को भी जोड़ देता हूँ। देखता हूँ कैसा साउंड कर रहा है। मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ अभी, सब वूफर का वायर। और इसे कनेक्ट करने में दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप वायर का जो पॉइंट है उसे देख करके समझ जाओगे कि वो प्लगइन कहाँ होगा। अब मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। साउंड प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने AUX केबल को जो है प्लग इन कर दिया है, और अभी मैं टेम्प्रोरी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्लूटूथ किट है वो काम कर रहा है और हमारा स्पीकर भी साउंड कर रहा है अच्छे से। देखिए हमारा गाना जो है वो बहुत अच्छे से प्ले हो रहा है। चलिए अब मैं इसे जो है फिट कर दे रहा हूँ। मैं AUX केबल को जो है वो आउट वहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो मैंने पहले कनेक्ट करके आपको दिखाया था, अभी फिर से मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ये हमारा ग्राउंड है, मतलब कि नेगेटिव GND। और इसे कनेक्ट करने के बाद लेफ़्ट ऑडियो और राइट ऑडियो का केबल जो है उसे कनेक्ट कर दें। और मैं अभी इसे पावर देके टेस्ट करता हूँ। तो हमारा कनेक्शन जो है मतलब कि सारा सही है। अब मैं कनेक्ट करके फिर से देखता हूँ।
आप चाहें तो ब्लूटूथ डिवाइस जो आपने अभी लगाया है उससे भी अपने मोबाइल के साउंड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद जैसे ही आप प्ले का बटन दबाओगे तो गाना जो है ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा मोबाइल के थ्रू। मैं अभी गाना बदल के दिखाता हूँ। ये देखिए साउंड इसका लेफ्ट ऑडियो राइट ऑडियो। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने अभी ब्लूटूथ मॉड्यूल से अपना प्ले किया तो मेरे मोबाइल में प्ले हो रहा। अभी मैंने पॉज किया फिर प्ले किया। तरीके से जो है आप ब्लूटूथ डिवाइस से अपने मोबाइल के साउंड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ऐसा आप इसके रिमोट से भी कर सकते हैं, मतलब कि ब्लूटूथ किट का जो रिमोट है उससे अपने मोबाइल का भी गाना चेंज कर सकते हैं। अभी मैं साउंड कहने का मतलब ये है कि फ़ोन जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट होने के बाद आप चाहे तो ब्लूटूथ किट से भी चेंज कर सकते हैं सॉन्ग वगैरह प्ले पॉज वॉल्यूम कम ज़्यादा, और नहीं तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं ब्लूटूथ किट को लगाने में। तो चलिए अभी इसे फाइनल कर देते हैं, इसे फिट कर देते हैं और फिट होने के बाद आपको दिखाते हैं। पावर प्लग निकाल दिया मैंने, अब चलिए इसे फाइनल फिट कर देते हैं। और ये जो एडाप्टर मैंने अलग से लगाया है इसको सेलो टेप से रैप कर देता हूँ क्योंकि इसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इसे पूरी तरीके से रैप कर देता हूँ तो ये सेफ रहेगा। जितने भी पावर केबल मैंने खोले थे सबको मैं प्लग इन कर देता हूँ। और इस बॉक्स को क्लोज करने के पहले ये चेक कर ले कि सारा कनेक्शन जो है वो ओके हो और उसके बाद फिर क्लोज़ करें। तो अब मैं फाइनली इसे इस बॉक्स को जो है वो क्लोज कर रहा हूँ और मैंने सारी कनेक्शन भी चेक कर ली है, सारा ओके है। तो ये देखिए ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है मैंने वूफर के नीचे से वायर इसका निकाल लिया है। तो मैं फिर से कनेक्ट करके बजाता हूँ। अभी मैंने ऑन किया ब्लूटूथ मोड।
और आपने अभी सुना होगा कि ऑन होते ही इसने, अभी मैं इसकी मोड चेंज करके दिखाता हूँ। ये हो गया इसका एफएम मोड, लॉन्ग इन मोड, ये AUX, ब्लूटूथ मोड, और ये ब्लूटूथ मोड। तो अब हमारा डिवाइस जो है वो बजने के लिए रेडी है। तो चलिए फिर से इसे कनेक्ट करके और टेस्ट करता हूँ। तो अभी आप सुन सकते होंगे हमारा वूफर जो है वो मॉडिफाइड हो गया है और अभी ये विदाउट वायर ब्लूटूथ मोड से बज रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जो आपको दिखाना चाहा, समझाना चाहा, आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ये सब अपने वूफर के साथ कतई ना करें, क्योंकि हो सकता है आप अपने वूफर को डैमेज कर दें और आपके पैसे भी लॉस हो जाएं। तो इससे अच्छा है कि जिनको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो, प्लस माइनस AUX केबल क्या होता है, पावर केबल किसे बोलते हैं, तो वो बंदे जो है आसानी से अपने वूफर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके का वीडियो पसंद है तो जुड़ जाएं हमारे यूट्यूब चैनल से, और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलता हूँ नई वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।